कोरोना वायरस ने सारी दुनिया में तबाही मचा रखी। अब तक लाखों लोग इसकी वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। कोविड 19 की वजह से पार्शल या मुकम्मल लॉकडाउन पूरी दुनिया में नाफिज है, जिसकी वजह से करोड़ों लोग अपनी नौकरियां गंवा चुके हैं। इस नफसा नफसी के दौर में भी बी पॉजिटिव प्रोडक्शन ने दारुशरफत में मुकीम अपने बच्चों का हाथ थामे रखा। इस लॉकडाउन के दौरान बी पॉजिटिव प्रोडक्शन ने दारुशरफत रीमेक प्रोग्राम का आगाज किया, जिसका मकसद बुनियादी तौर पर दारुशरफत के निज़ाम की बेहतरी। दारुशरफत रीमेक प्रोग्राम मुख्तलिफ छोटे से बड़े साइज के मुख्तलिफ प्रोजेक्ट का एक मजमुआ है, जिसमें प्रोजेक्ट रहनुमा का भी इनेकाद किया गया। प्रोजेक्ट रहनुमा बच्चों के लिए तालीमी प्रोजेक्ट था, जिसमें दो मंथ्स के लिए बच्चों को तालीम मुहैया की गई। दारुशरफत रीमेक प्रोग्राम के अंडर बच्चों को ड्राई फ्रूट्स भी मुहैया किए गए, ताकि वो अपनी इम्यूनिटी को बेहतर बना सकें। इस प्रोग्राम के अंडर बच्चों को यूनिफॉर्म भी मुहैया किया गया, ताकि वो बेहतर तरीके से अपने स्कूल यूनिफॉर्म में स्कूल जा सकें। यूनिफॉर्म के अलावा बच्चों को मुख्तलिफ हिस्सों में शलवार कमीज और जूते भी मुहैया किए गए। बच्चों की तफरी के लिए मूवी नाइट, फिश पार्टी और बोन फायर का भी इनेकाद किया। बी पॉजिटिव प्रोडक्शंस ने माशरे की बेहतरी को अपना फ़र्ज समझते हुए अपना किरदार भरपूर तरीके से निभाने की कोशिश की। और मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि इस रमज़ान आपने अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए क्या किया।